सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू क्लासी फ्लेवर्स एंड आई एम योर फूडी फ्रेंड जेसिका। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गुजिया। और उसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मेरे पास है मैदा। अब इसमें डालेंगे देसी घी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी अपने पास थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि गुजिया का आटा हल्का सख्त होना चाहिए। कई बार हम पानी ज़्यादा रख लेते हैं अपने पास और गलती से चला जाता है, फिर वो आटा सॉफ्ट हो जाता है। और आटा अब अच्छे से गूंद गया है। अब इसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल देंगे और 45 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब पैन में डालेंगे खोया और इसे भून लेंगे। भुन गया है और अब इसे रख देंगे साइड पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसे गरम गरम नहीं यूज़ करना है। 5 मिनट हो गए हैं, अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे ये सूजी, जिसको मैंने पैन में बिना तेल के अच्छे से भून लिया है। अब इसे इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अब इसमें डालेंगे काजू और बादाम का एक्चुअल मिक्सचर है ये, इसको मैंने पीस लिया है। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें, और ग्रेटेड कोकोनट और ये चिरौंजी डाल देंगे। और अब लास्ट में बारी आएगी पाउडर शुगर की, इसे भी इसमें डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हो गया है अब अच्छे से मिक्स 45 मिनट बाद। और ये आटा गुजिया का एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। अब इसमें से लोई बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। बेलते समय सूखा आटा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और इस टाइम पे बाकी आटे पे हल्का गीला कपड़ा डाले रखें, नहीं तो बाकी आटा जो है वो सूख जाएगा। अब इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, जिसको हमने अभी रेडी किया है। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस साइज का बनाया है। और साइड में पानी लगा देंगे और इसे मोड़ते हुए बंद कर देंगे और फॉक की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। और इसी तरह से सारी गुजियों को बना लेंगे। और यहाँ घी गर्म हो रहा है और आँच को हमेशा हल्का ही रखना है, तेज नहीं करना है, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं रखना है। और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गुजिया दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुजिया बनकर तैयार है। थैंक फॉर वॉचिंग।